हेलो पब्लिक, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब ऐसे दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी की दिवाली बहुत खुशियों भरी हो और आप सभी बहुत मज़े करें आज, ठीक है? क्योंकि आज मैं भी फुल मज़े करने वाला हूं। आज मैं थोड़ा बालकनी में खड़ा था, मज़े वज़े ले रहा था। बालकनी से खड़े नीचे बच्चे पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज यहीं से वीडियो शूट किया जाए। क्या स्टूडियो में खड़े होकर के वो हरे पर्दे पर वीडियो शूट करने का कोई मज़ा आएगा नहीं, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए आज। तो इसीलिए आज बालकनी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, ठीक है? और आप लोगों के लिए आज जो जॉब लेके आया हूँ दोस्तों, वो भी थोड़ी अलग है। आपको इस जॉब के लिए स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। और वो कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को तो पता होगा क्योंकि थंबनेल देख के ही खोला होगा कुछ लोगों ने, तो उन लोगों को पता होगा कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि कनाडा में एक ऐसा होटल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ आज, और वहाँ पर कुछ 4 से 5 जॉब्स अवेलेबल हैं जिन जॉब्स के लिए आपको LMIA मिल सकता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, ठीक है? वो कैसे मिल सकती है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा ऑफ़र चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने जो है उस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज पड़े हैं कि उनको करना क्या है। भाई, कंट्री चुनो, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, और उस कंट्री के लिए एक जल्दी से CV और कवर लेटर बना के तैयार कर लो, ताकि आप उस कंट्री में अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सको। वेट मत करो दोस्त, वेट करोगे तो करते रह जाओगे। और ऑफ़र चल रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं, जल्दी सब फ़ायदा उठा लो, ठीक है? दिवाली ऑफ़र का, जिस जॉब की बात मैं कर रहा हूँ आज दोस्तों, और जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, ये है कनाडा की एक कंपनी जिसका नाम है क्रेजी वीड किचन। जी हाँ, क्रेजी वीड किचन नाम की एक कंपनी है जहाँ पर जॉब्स अभी अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। वेटर्स की जॉब अवेलेबल है, डिशवॉशर की जॉब अवेलेबल है, होस्ट की जॉब अवेलेबल है, कुक की जॉब अवेलेबल है, और मैनेजमेंट स्टाफ्स की जॉब अवेलेबल है। इन सभी जॉब्स के लिए जो है आपको LMIA मिल सकता है। मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देना चाहूँगा एक और चीज़ कि LMIA मिलेगा सिर्फ, इस कंपनी ने क्लियर कर दिया है कि रिलोकेशन में आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी। साथ ही इनके पास स्टाफ हाउसिंग नहीं है, यानी कि अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहां जाकर के जो है खुद के रहने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप कहां रहोगे और कैसे रहोगे ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, आपको वहां जाकर के मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? और रिलोकेशन में आपकी बिल्कुल मदद नहीं की जाएगी, साफ साफ क्लियर क्लियर आपको बोल देता हूं मैं अभी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास पोटेंशियल स्किल्स हैं, अगर आपके पास एक आधा डेढ़ दो साल का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। और क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इंग्लिश तो चाहिए ही। आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाओ तो आपको बेसिक से इंग्लिश तो कम से कम आनी चाहिए। तो कनाडा में भी इस जॉब के लिए आपको बेसिक से इंग्लिश आनी चाहिए दोस्तों। इंग्लिश है, थोड़ी सा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं भी है, तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईजी प्रोसेस है। ईजी प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ले चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन से, और मैं कुछ लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों कि लैपटॉप स्क्रीन, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं अप्लाई करता हूँ वैसे ही कर सकते हो, बिना लैपटॉप के भी कर सकते हो दोस्तों। आप मोबाइल पर भी सेम प्रोसेस होता है, सेम सवाल पूछे जाते हैं। बस आप मोबाइल पर जाइए, जिस जिस ऑप्शन पर जाता हूँ उन ऑप्शन को कॉपी करो और उन ऑप्शन पर जाकर के जो है जॉब के लिए अप्लाई कर दो। बस सीधा सा प्रोसेस होता है दोस्तों। तो चलिए ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं क्रेजी वीड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। ये रेस्टोरेंट है दोस्तों कनाडा का एक, और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहां देख सकते हैं टंगड़ी बंगड़ी खा पी के रख रखी है इन लोगों ने। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर कुछ लिंक्स दी गई हैं, जिन लिंक्स के जरिए जो है आप इन्हें कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी जानकारी चाहिए बस हमें। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1997 में जो है शुरुआत की थी बाय जैन एंड रिचर्ड हारबैक। इन दोनों ने मिलकर जो है शुरुआत की थी क्रेजी वीड की, और अभी तक ये लोग चला रहे हैं। फैमिली ओन्ड एक रेस्टोरेंट है दोस्तों। साथ ही अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वर्क विथ अस। ये आपको मैं बता दूं कि ये LMIA प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्टाफिंग वगैरह नहीं देंगे, आपको रिलोकेशन में आपकी मदद नहीं करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बी पार्ट ऑफ एन अमेजिंग टीम। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया अगर हम लोग वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड स्टाफ, अगर आपके लायक यहाँ पर जॉब्स होंगी तो आप रेज्यूमे डाल दो, अगर जॉब्स नहीं होंगी तो हम आपके जो है रेज्यूमे को डेटाबेस में रखेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कांटेक्ट किया जा सके। अब नीचे आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों आप एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, जो कि हर वेबसाइट पे होता है, और फिर भी पता नहीं आप लोगों ऐसा क्यों बोलते हो कि सर अप्लाई करने नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। हर वेबसाइट पे सेम इंटरफेस होता है दोस्तों। आपको अपना नाम, नंबर, फोन, ईमेल आईडी भरना होता है, कुछ नहीं करना होता है, अपलोड करना होता है CV और कवर लेटर, और हर चीज़ मैं जब करके दिखा देता हूँ फिर भी उसके बावजूद अब आप ऐसा बोलते हैं ना, मेरे को बड़ा दुख लगता है दिल से। देखिए, मैं आपके सामने ही सारी डिटेल्स भर रहा हूँ। सर नेम भर दिया मैंने, अपना लास्ट नेम भर दिया मैंने, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ भर दिया दोस्तों। एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं कंट्री भी भर दूंगा, यहाँ इंडिया मैंने फिल कर दिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं विच पोजिशन यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ पर कुछ 5 पोजिशन दिए गए हैं, कुक,
और वेटर, मैनेजमेंट स्टाफ, डिशवॉशर और एक और था, क्या था, होस्ट। हाँ, ये होस्ट में जो है आपको मैंने वेट स्टाफ पे क्लिक कर दिया है। आप चाहे तो एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उस पर टिक कर लेना है बस आपको। और अब यहाँ पर देख सकते हैं रिज्यूमे अपलोड करने का एक ऑप्शन है, वहाँ पर मैं अपना रिज्यूमे अपलोड कर दूंगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है कवर लेटर पेस्ट करने का या फिर अपलोड करने का, आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप पेस्ट करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपलोड कर लीजिएगा। मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपलोड ज़रूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स भर दी हमने, अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पता नहीं हर वेबसाइट पे ये क्यों होता है कि इतना टाइम लगता है, ये लोडिंग टाइम जो है इतना रिफ्रेशिंग टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। एक बार जब यहाँ देखो, अब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लिख करके आ गया योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सेंट, वी आर हैप्पी। अब हम भी हैप्पी हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि हाँ अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, वरना आपके रिज्यूमे को डेटाबेस में रखा जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। देखा कितना आसान था, कितना आसान था, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने। इन जॉब्स के लिए इजीली आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। सीवी और कवर लेटर चाहिए, सीवी और कवर लेटर बनवाओ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पे जाके क्लिक करो, इस वेबसाइट पे पहुंच जाओ और सीवी और कवर लेटर अपलोड करो, डिटेल्स फिल करो और जॉब के लिए अप्लाई कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी हमारे बाकी के चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।